तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है जहाँ पे कहा जाता है कि ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, तो कैसे करना है। तो मुख्य प्रश्न ये है कि आपके पास जैसे साइन ए है, सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक के पदों में लिखना है, यानी सामने सेक के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत देखिए यहाँ से करेंगे कि साइन का रिलेशन होता है कॉस के साथ और कॉस का रिलेशन होता है डायरेक्ट सेक के साथ में। तो ऐसे में हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि साइन का जो रिलेशन कॉस के साथ होता है वो वाला होता है 1 - cos² a। अब कारण क्या है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, चूँकि ठीक है इसकी वजह से ऐसा हो गया। और कॉस के जो सीधी सीधी वैल्यू होती है 1/sec होती है, तो ऐसा लिखा जा सकता है कि 1 - 1/sec² a। और यहाँ पे काम ये हो रहा है कि जो कॉस ए है वो चेंज हो गया है 1/sec a में। अब चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा दें तो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर मिल जाएगा इसका। इधर गुणा हो जाएगा, देखिए बटे में एक लगा, इन दोनों का गुणा हो गया क्या, सेक स्क्वायर ए हो गया। इसका इधर गुणा कर दिया तो सेक स्क्वायर ए, एक का इधर गुणा किया तो -1। तो सेक स्क्वायर ए का जब स्क्वायर रूट लिया है तो वो बाहर आ गया है अंडर रूट से, तो यहाँ पर सेक ए बच गया है और ऊपर सेक स्क्वायर ए -1 बच गया है। तो ये सेक के पदों में साइन पूरी तरीके से बदल गया है। अब अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस ए बराबर तो सीधा सीधा होता है 1/sec a, बदल गया, कुछ नहीं करना था, बात खत्म हो गई। ठीक, अब टैन की बारी है, हम टैन ए को कैसे बदल सकते हैं। देखिए बात ये होती है कि 1 + tan² a बराबर होता है sec² a, ऐसा होता है। तो इस चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, टैन को यहीं पर रहने देते हैं, एक उधर भेज देंगे तो sec² a -1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर अगर उधर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा। तो ये बन गया सीधा सीधा टैन sec के रूप में, डायरेक्टली बदल चुका है, कुछ नहीं करना बाकी। ओके, तो अब आ जाती है cot को बदलने की बारी sec के पदों में। तो यहाँ पे भी सिंपल लॉजिक लगाना है, एक सिंपल तरीका है कि cot बराबर होता है 1/tan a, तो ये बदल गया, और tan बराबर होता है ये चीज़ अभी हमने निकाला है वही यहाँ पे रख देते हैं, और अभी कुछ करना नहीं है, यानी यहाँ पे sec² a -1 जो था हमने सीधे सीधे रख दिया, तो cot भी बदल चुका है इस फॉर्म में। नेक्स्ट हमारी बारी आ जाती है sec ए को sec ए के पदों में बदलने के लिए, तो कोई चेंज नहीं होगा, sec ए के ही बराबर रहेगा, बात खत्म हो गई। और cosec ए को बदलने की जब बारी आ जाती है, तो cosec को कैसे बदला जाए, मतलब cosec को कैसे sec में बदला जाए। तो एक काम ये किया जा सकता है कि हम कर देते हैं कि cosec बराबर 1/sin कर लेते हैं। ठीक, sin कर लिया है, और साइन की जो भी वैल्यू मिली थी वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, बराबर लगाया 1/, जो हमारे साइन की वैल्यू आई थी वो थी √sec² a -1/sec a, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर चला जाएगा, और ये sec a √sec² a -1 हो जाएगा -1, ऐसा कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि साइन यहाँ पे नहीं, इसके सामने रखना है, चूँकि साइन ए बराबर होता है √sec² a -1/sec a, तो उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ किया है। और ऐसे करके हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, एक या सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में बदल दिया है।
तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी लोगों को बदल दिया है। सो ये है आपके इस प्रश्न का उत्तर।